पुलिस ऑफिसर्स क्लब में माननीय श्री बेनी प्रसाद श्रीवास्तव का स्वागत है। सभी जानते हैं वो एक अच्छे साइकेट्रिस्ट, एक अच्छे सोशल वर्कर और रिफॉर्मिस्ट है। वो आम जनता के बीच समाज में फैली हुई बुराइयों पर अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। वो आज हमारे बीच है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं आदरणीय श्री बेनी प्रसाद श्रीवास्तव से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे अपने विचार प्रकट करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं जिस विषय पे बोलने जा रहा हूं, आप लोगों का तो रोज उससे सामना होता है। जिस तरह मैले कपड़े को धोने और साफ करने के लिए डिटर्जेंट की जरूरत पड़ती है, उसी तरह समाज में फैली हुई बुराइयों और जुर्म को दूर करने के लिए पुलिस डिटर्जेंट का काम करती है। इसलिए पुलिस को करना होगा कि वो जनता के संपर्क में रहे ताकि उनके दिलों में सुरक्षा का एहसास पैदा हो। तब वो समझेंगे कि पुलिस उनकी दुश्मन नहीं, दोस्त है। और फिर तभी समाज में फैली हुई हर बुराई आसानी से काबू पा सकती है। थैंक यू। देर हो गई है, पता नहीं संजय कहां गए। रिन साहब, वो साहब आपको उधर बुलाते हैं। किधर? वो उधर। थैंक यू, तुम जाओ। देखो, अगर तुम जल्दी से सामने नहीं आओगे ना, तो मैं यहां से चली जाऊंगी। संजय, अरे सुनो बेटा, तुमने अभी इधर किसी लेडी इंस्पेक्टर को देखा है क्या? हाँ साहब, एक और इंस्पेक्टर साहब आए थे। उन्होंने मुझे बोला कि वो जो लेडी इंस्पेक्टर है, उनको बुलाओ। मैंने बुलाया, वो इंस्पेक्टर साहब के साथ में चली गई। किसी और इंस्पेक्टर के साथ? Yeah.
तुम्हें ये नौकरी इसलिए नहीं दी गई कि तुम अपनी ड्यूटी के समय रात सुरंग रचाओ। तुम्हें जो काम सौंपा गया है उसमें समाज की सेवा के साथ साथ समाज की सुरक्षा भी शामिल है। तुमने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई और ये मेरी आंखों में अपराध है। तुम समाज की दुश्मन हो और मैं समाज के दुश्मन को कभी माफ नहीं करता, उसे उसे दंड देता। सर, मैं लाश का मुआयना कर चुकी हूँ। इंस्पेक्टर रोहिणी वर्मा को दो किश्तों में मारा गया है। दो किश्तों में? यस सर। आइए सर, इधर आइए। ये देखिए सर, ये देखिए, इनके कनपट्टी पे चोट का निशान है। ये चोट किसी गोल्फ स्टिक से मारने की वजह से हुआ है। ये आप कैसे कह सकती हैं कि ये गोल्फ स्टिक से मारा गया? सर, पिछले महीने किसी का गोल्फ स्टिक से मर्डर कर दिया गया था और इत्तेफाक से चोट कनपट्टी पर ही थी। ये दोनों चोट काफी मिलती है सर। खैर, गोल्फ स्टिक के मारने से ये सिर्फ बेहोश हुई होगी, पर इसकी मौत तो किसी बड़े चाकू या छुरे से वार करने पे काफी खून बहने के बाद ही हुई है। ये देखिए सर, कातिल ने इनको मारने से पहले बांध रखा था इन्हें। ये देखिए, इनके दोनों हाथों पे रस्सी के निशान है। सर, आई थिंक इनकी मौत तकरीबन रात के 12 से 1 के बीच में ही हुई है। बड़ा ताज्जुब की बात है, परसों ये पुलिस फंक्शन में मौजूद थे। सो सॉरी सर, उस क्लब कॉन्फ्रेंस में ये इंस्पेक्टर संजय दीक्षित के साथ बैठी हुई। सर, मुझे लगता है इन दोनों की काफी गहरी दोस्ती थी। एक बात और सर, इंस्पेक्टर संजय दीक्षित की बाजू वाली चेयर पर इंस्पेक्टर शेखर भी बैठा था। May I come in, sir? Yes, come in. Sir, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ मिस्टर शेखर, हम रोहिणी वर्मा मर्डर केस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। इंस्पेक्टर शेखर, इफ आई एम नॉट मेकिंग अ मिस्टेक, उस दिन पुलिस क्लब कॉन्फ्रेंस में तुम रोहिणी के पास बैठे थे, है ना? ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि रोहिणी के कत्ल की वजह क्या हो सकती है और उसका दुश्मन कौन हो सकता है? ऐसे तो सर मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन उस दिन क्लब कॉन्फ्रेंस में मैं संजय दीक्षित के साथ ही बैठा हुआ था और मैं देख रहा था कि उन दोनों का ध्यान श्रीवास्तव जी के लेक्चर के बजाय अपनी निजी बातों में ज्यादा था। और वहां पे इंस्पेक्टर संजय दीक्षित ने इंस्पेक्टर रोहिणी वर्मा को पर्ची पे कुछ लिख के दिया। क्या बता सकते हैं कि उस पर्ची पर क्या लिखा? नहीं सर, मैं पढ़ तो नहीं पाया। होगी कुछ प्यार मोहब्बत की बातें, हाँ, लेकिन कानाफूसी में मैंने जरूर इतना सुना कि वो दोनों नेशनल पार्क में मिलने वाले हैं। सर, वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और जल्दी उनकी शादी होने वाली है। सर, उसी रो में इंस्पेक्टर दामले भी बैठे हुए थे, जो कि उनकी हरकतों से काफी परेशान थे। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं सर कि इंस्पेक्टर दामले भी इंस्पेक्टर रोहिणी वर्मा को काफी चाहते हैं। मेरे ख्याल से सर आपको इसके बारे में ज्यादा बेहतर इंस्पेक्टर संजय बता पाएंगे। संजय? अरे सर, आप आइए ना।
आई ना सर, वेलकम, प्लीज बैठिए। नो, इट्स ओके, वी आर कंफर्टेबल। बट सर, एक बात बताओ संजय दीक्षित। जी सर। कल तुम बोरीवली नेशनल पार्क गए? हाँ, गया था सर। क्यों गए? सर, इससे किसी को क्या लेना देना, ये मेरा निजी मामला है सर। नहीं संजय दीक्षित, ये तुम्हारा निजी मामला नहीं रहा, क्योंकि जिससे तुम मिलने गए थे उसकी मौत हो चुकी है। What? She has been killed. रोहिणी मर गई? नहीं सर, दिस इज नॉट पॉसिबल। रोहिणी मर गई? नो सर, रोहिणी, रोहिणी, रोहिणी सुन के, हाउ इज इट पॉसिबल? गई? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। रोहिणी, 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 Control yourself, Inspector. No, sir. हमने आपसे कुछ पूछा है? सर, मैं वहां पे इसलिए गया था क्योंकि वहीं पर मैं और रोहिणी मिलने वाले थे। वहीं मिलने का तो प्रोग्राम बनाया था हमने। मैं और रोहिणी सर शादी करने वाले थे, और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं थी। It was quite open. Everybody knew about it. तो तुम मिले उससे? इंस्पेक्टर संजय, क्या बात हुई तुम्हारी उससे? नहीं सर, मैं वहां जरा देर से पहुंचा, लेकिन जब मैं पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो किसी और इंस्पेक्टर के साथ जा चुकी थी। ये बात आपको किसने बताई? सर, ये बात मैंने बताई इनको साहब। ये बाद में आए साहब। इनसे पहले जो साहब आए थे वो उनके साथ में चली गई। किधर गए थे बेटा? वो उस तरफ। ठीक है, तुम जाओ। तुम भी जाओ इंस्पेक्टर सर। सर, ये दूसरा इंस्पेक्टर कौन हो सकता है? फिलहाल तो मेरे साथ हो, कम। सर, अब क्या मिलेगा यहां? सबूत। सबूत? हाँ, रोहिणी के कत्ल का सबूत। सर, ये देखिए सर, ये तो ब्लड स्टेन्स हैं। ये देखो, मुझे लगता है कि रोहिणी की कनपटी पर किसी ने हमला किया होगा, इसलिए उसका ये अप्रोच यहां है। सर, मुझे लगता है कि कातिल रोहिणी को यहां से घसीटा वाले कर गया। ये निशान, अरे ये देखो गाड़ी के टायरों का निशान, इसका मतलब यह हुआ कि कातिल रोहिणी को यहां से गाड़ी में लेकर गया। तुम्हें काम करो, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फोरेंसिक लैब वालों को बोल के सारे निशाना तो उठवा लो। इसे भी रख। तू तो जानती है रोहिणी का प्यार अब भी फांस बनकर मेरे मन में अटका हुआ है। मेरे मन को शांति दे मां, मेरे मन को शांति दे। सर, आप यहां क्या बात है? इंस्पेक्टर दामले, एक बुरी खबर। इंस्पेक्टर रोहिणी का मर्डर हो गया। क्या? नहीं सर, ये झूठ है। ये कैसे हो सकता है? कल वो संजय दीक्षित से बोरीवली में मिलने वाली थी सर, उन दोनों का मिलने का प्रोग्राम था। लेकिन तुम्हें तो उन दोनों का मिलना पसंद नहीं था। ठीक है सर, आपने ये पुरानी बात थी,
जिस दिन रोहिणी ने मेरे शादी के प्रपोजल को ठुकरा कर मुझे ये बताया कि वो संजय दीक्षित से शादी करने वाली है, मैं उसे भुला चुका हूँ सर। लेकिन अभी अभी तुम दुर्गा माँ के सामने कह रहे थे कि रोहिणी का प्यार तुम्हारे गले में फांस बनकर अटका हुआ। ये भी सच है, मैंने ये भी तो कहा था कि माँ मेरे मन को शांति दे। तो कुल मिलाकर नतीजा ये निकलता है कि तुम्हें संजय और रोहिणी का प्यार खटकता था, है ना? देखिए, यदि आप मुझ पर शक कर रहे हैं कि रोहिणी का खून मैंने किया है तो ये गलत है, क्योंकि यदि मुझे खून करना ही होता तो मैं रोहिणी का नहीं संजय का करता। फिर भी आपने जो खबर मुझे दी है उसने मेरे दिलो दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया है। आप भले ही मुझ पर शक करें मगर आप यकीन मानिए, यदि रोहिणी का कातिल मेरे सामने होता तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। इसकी मौत तो किसी बड़े चाकू या छुरे से वार करने पे काफी खून बहने के बाद ही हुई है। हाँ, मगर आपसे एक वादा करता हूं, मैं इस केस के सिलसिले में जब भी आपको मेरी जरूरत हो मैं हाजिर हूं। ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन हम जल्द से जल्द कातिल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि मुजरिम कत्ल करते वक्त कोई ना कोई गलती जरूर करता है और हमें उसी गलती की तलाश है। कम अजय, दुर्गे बैठिए। यस प्लीज। रोहिणी वर्मा मर्डर केस में कोई सुराग आपके हाथ लगा? नहीं, मगर कोशिश जारी है। सर, आपका क्या ख्याल है, इस मर्डर केस में किसका हाथ होने की संभावना है? एनी अंडरवर्ल्ड और इज इट अ पॉलिटिकल मोटिवेटेड? देखिए, इस बारे में हम अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि हम हर संभावना पर गौर कर रहे हैं। सर, हमने सुना है इंस्पेक्टर रोहिणी का किसी के साथ रोमांस था, क्या यह बात गलत नहीं थी? इसमें गलत बात क्या है? क्या पुलिस इंसान नहीं है? क्या पुलिस रोमांस नहीं कर सकती? क्या पुलिस शादी नहीं कर सकती? अगर उसका रोमांस था तो उसमें बुरी बात क्या है? क्या मीडिया का काम आजकल गलत को सही और सही को गलत करने रह गया? सर, जिन हालात में और जिस तरह रोहिणी वर्मा का मर्डर हुआ, क्या उससे जनता का गलत संदेश नहीं गया? पुलिस जनता की रक्षा के लिए, लेकिन जहाँ कानून की रक्षा की इस तरह बेदर्दी से मारे जाए तो वहाँ आम जनता की रक्षा का क्या होगा? देखिए, ये सवाल हमारे सामने भी है। हम दिन रात इसी कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द कातिल को पकड़कर कानून के हवाले कर दें, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम जल्दी ही कातिल को पकड़कर कानून के हवाले कर दें। लेकिन सर, हम जानना चाहते हैं इस काम में और कितना वक्त लगेगा? देखिए, किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए उसे टाइम लिमिट में नहीं बांधा जा सकता। हम अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन के साथ कर रहे हैं। वक्त कितना लगेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आप चाहते हैं जनता इंतजार करती रहे और कातिल खुली हवा में सांस लेता रहे? इस तरह आम जनता डर के साये में कब तक जीती रहेगी? सर, आपको बताना ही होगा कि कातिल कब तक पकड़ा जाएगा। देखिए, आप खामखा बात को बढ़ा रहे हैं, धीरे रखिए, हम जल्द से जल्द कातिल तक पहुंच जाएंगे। That's all and thank you very much. Come on. बारह रुपया कांदा, दस रुपया किलो कांदा, दस रुपया किलो, दस रुपया बारह रुपया, दस रुपया बारह रुपया, दस रुपया बारह रुपया कांदा, दस रुपया बटाटा बारह रुपया। अरे अंकल, ढाई किलो प्याज देना। आ गई बिटिया रानी, अभी लो, ये एक किलो, ये दो और ये अढ़ाई। ये लो बेटे, अढ़ाई किलो कांदा।
बिटी और एक दो नंब। एक क्यों बिटिया, ये दो लो। धन्यवाद। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब के बच्चे, क्या कर रहा था अभी? कांदा दे रहा था साहब। बच्ची ने तुझसे 2.5 किलो कांदा मांगा ना? हाँ। पैसे लिए तूने 2.5 किलो के? हाँ साहब। और कांदा दे रहे 2 किलो? गलती हो गई साहब। जाने हैं गलती के बच्चे, हैं? बच्चे के साथ बेईमानी करके बोलता गलती हो गई साहब। हमका गलती हो गई, हाँ? हमको माफ कर दीजिए साहब, हमने जानबूझ के तो नहीं किया, गलती से हो गया। अपराध को गलती बोलते हैं? ले चलो साहब, दो मारूं सब सच बोलने लगेगा। नहीं साहब, गरीब आदमी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। तू गरीब आदमी है, तुझे काटेंगे ना तो 1.25 मन चर्बी निकलेगी तेरे शरीर से। याद रख, मेरी नजर रहेगी तुझ पर। नाम क्या तेरा? गोपाल है साहब। चल पूरा तौल के दे। लो 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 बिटिया, एक और ले लो, ज्यादा दिया है साहब। आइंदे से ध्यान रखना। ध्यान रखूंगा साहब। भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, मेरी सहायता करना, मुझ पर दया करना प्रभु। कहाँ चले गए ये? मुझ पर दया करना प्रभु, कहाँ चले गए ये? कौन हो तुम? कौन हो तुम? ये तेरे बेईमानी करने और व्यापार में डंडी मारने और चोरी करने का दंड है। हमको माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तेरे भाग्य का फैसला तो अभी हो जाएगा, दोबारा तुझे ये सब करने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं, तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मुझे माफ कर दो। अजय, क्या ख्याल है तुम्हारा, कौन हो सकता है रोनी का कातिल? सर ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मुझे रोहिणी, संजय और दामली के लेफ्ट एंगल के बारे में पहले पता चल जाता तो ये तो तय है रोहिणी की जान तो बच जाती। सर वो कैसे? वो ऐसे सर कि मैं संजय और दामले को हटाकर रोहिणी का हाथ अपने हाथ में ले लेता। सर अजय, सर वो एक शेर है ना, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चिराग राह मेरे चल उठे। अरे शट अप सर, मैं बकायदा से शादी करता और
शादी में आपको जरूर इनविटेशन देता सर मैं तुम्हारे साथ सीरियस बात कर रहा हूं और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। सॉरी सर। हेलो क्या ठीक है हम अभी पहुंच रहे हैं। सर आइए एसीपी साहब। सर सर एक बड़ा ही अजीब केस आया है सोचा लाश का पोस्टमार्टम करने से पहले उसके बारे में मैं आपको भी बता दूं। ऐसी क्या बात? सर ये एक और लाश बरामद हुई है। लाश की हालत बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंस्पेक्टर रोहिणी वर्मा की थी। क्या हम लाश का चेहरा देख सकते हैं? श्योर सर आइए सर। ये देखिए सर कनपट्टी पे निशान है। ये देखिए सर ये देखिए दोनों हाथों पे रस्सी के निशान हैं। वन मिनट सर। ये देखिए सर ये जख्म 3 इंच गहरा है सर। बिल्कुल वैसा ही है जैसा इंस्पेक्टर रोहिणी वर्मा के पेट पे था। सर मुझे लगता है ये कातिल भी वही है और कत्ल करने का तरीका भी। सर आपने जो ब्लड सैंपल्स भेजे थे वो इंस्पेक्टर रोहिणी वर्मा के ही है। डॉक्टर अच्छा इस आदमी की शिनाख्त हुई है कि ये कौन? हाँ सर हुई है। इसकी बीवी इसके गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराने लाल चौकी पुलिस स्टेशन गई थी। उसने पुलिस को जो हुलिया बताया उस आधार पर पुलिस उसे यहाँ ले आई। ये गोपाल है जो रंजीत ठाकुर के चौल में रूम नंबर 105 में रहते थे। ठीक है कम आ जाए। क्या बताएं साहब हम तो बर्बाद हो गए। आप मुझे ये बताइए कि आपके पति घर से कब निकले? घर से तो सवेरे सवेरे निकले थे साहब। शाम को वापस घर भी आ गए थे। हम बाहर गए थे साहब वापस आई तो देखा दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर जाके देखा तो ताला चाबी गिरा पड़ा था। हमने आस पड़ोस में पूछताछ की तो किसी को पता नहीं था। जब हम पुलिस चौकी गए हमने जब उनका हुलिया बताया तो पुलिस हमें मुर्दा घर लेके गई। वहां हमने देखा तो उनकी लाश पड़ी थी साहब। आपके पति की किसी से दुश्मनी थी? नहीं साहब वो तो सब्जी मंडी में बैठते थे। ना उनका किसी से लेना ना किसी से देना था साहब। उनकी कैसी दुश्मनी। ठीक है अरे भाई सुनो तुम लोगों में आपस में दुश्मनी है किसी से? अब हम लोगों की किसी से क्या दुश्मनी होगी उल्टे लोग हमको ही धौंस जमाते हैं। इलाके के गुंडे लोग आते हैं और हमसे हफ्ता वसूल करके ले जाते हैं। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं उस कांदे वाले की बात कर रहा हूँ। अच्छा वो गोपाल उसे थोड़ा कम तोलने की आदत थी। उस दिन साहब आए और उसे देखा गोपाल एक बच्ची को पूरे पैसे लेकर प्याज कम तोल कर दे रहा था। बस साहब ने उसे डांटा फटकारा और साहब यही बच्ची है इससे पूछ लीजिए ये आपको अच्छी तरह समझा सकती है। सुनो बेटा इधर क्या नाम है तुम्हारा? बेटा डरो नहीं मैं अंकल हूं। कल तुम यहाँ सब्जी लेने आई थी? हाँ। तो कल क्या हुआ था यहाँ बेटा? कल गोपाल चाचा ने आधा किलो प्याज कम तोल कर दिया और तभी इंस्पेक्टर साहब आ गए। उन्होंने उनकी चोरी पकड़ ली और उन्होंने उन्हें बहुत फटकारा और उन्होंने यह भी कहा कि वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इंस्पेक्टर कौन था? साहब अपने ही थाने के थे। अपने थाने के यानी
नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। जय मां दुर्गे। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। सर आप, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? मैं पूजा कर रहा था सर। तुमने हमारी आवाज नहीं सुनी? सुन रहा था। वो क्या है सर, आप जब भी आते हैं मेरी पूजा का वक्त होता है। अभी भी मैं पूजा ही कर रहा था। पर बात क्या है सर, 15 तारीख दिन में 10 बजे के करीब तुम लाल चौक सब्जी मंडी गए थे। हाँ गया था। वहां तुम्हारी गोपाल नाम के किसी सब्जी वाले से तकरार हुई थी। तकरार? सर उसकी क्या औकात जो वो मुझसे तकरार करता। बेईमानी कर रहा था वो। 2.5 किलो प्याज के पैसे लेकर उस छोटी बच्ची को 2 किलो प्याज दे रहा था। रंगे हाथों पकड़ा सर मैंने उसे। फिर क्या हुआ? फिर क्या, सोचा था थाने लाकर उसकी धुलाई करूं, वार्निंग देकर छोड़ दिया उसे मैंने। और उसी रात उसका मर्डर हो गया। क्या मर्डर? हाँ, और वो भी बड़ी बेरहमे के साथ, बिल्कुल उसी तरह की छुरी से। इसी किस्म का चाकू था। बिल्कुल इस जैसी छुरी से कत्ल हुआ था उसका। इस तरह के चाकू से? इस चाकू से तो नहीं। यह भी नहीं बतला सकते। ये देखिए सर, गोल्फ स्टिक। अजय, ये छुरी और ये गोल्फ स्टिक अपने कब्जे में ले। ये क्या कह रहे हैं सर आप? हमारे साथ चलो। मगर क्यों, मुझे क्यों चलना पड़ेगा? चिल्लाओ मत। तुमने सुना नहीं गोपाल का खून हो गया? तो क्या खून मैंने किया है? चिल्लाओ मत, मैंने कहा ना हमारे साथ चलो। देखिए सर आप गलत कर रहे हैं, इस तरह आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता तुम अच्छी तरह देखो। आप गलती कर रहे हैं सर, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कानून मैं भी जानता हूँ। तुम कानून जानते हो तो ये भी अच्छी तरह जानते होगे। इतना बड़ा हथियार अपने घर में रखना कानूनी जुर्म है। कम इतने चले। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मत मारो।